अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस आप सभी लोगों को वेलकम हुआ जी FF गैंगस्टर चैनल के ऊपर। तो भाई लोग, आज की जो रोस्ट वीडियो है वो है अड्डान 07 के ऊपर, और वो भी यार पता नहीं अड्डान 07 की गलती की वजह से ये उसके ऊपर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। और इस कंट्रोवर्सी को सब ने नाम दिया है टिकटॉक यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक 2.0। ठीक है, असल में इस कंट्रोवर्सी का नाम है थगेश वर्सेस अड्डान 07, बट सब लोगों ने उसको नाम दिया YouTube वर्सेस TikTok 2.0, क्योंकि अदनान 07 वो पहले TikToker था, अब वो बन गया डीलर। थगेश मैन सिर्फ उनकी एक सिंपल सी डील के ऊपर उन्होंने एक रिएक्ट किया, तो भाई की भाई को बहुत गुस्सा आ गया। भाई ने कहा ये कैसे कर दिया तुमने, ये वो फलाना ढिंगाना। ठीक है, बस सिर्फ मैं भी आप लोगों को वो सक थगेश भी पहले वो क्लिप बता दूँ, फिर मैं भी मेरे उसके ऊपर कॉमेंट देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने ये वीडियो तो वॉच कर ली, अब मेरा उसके कमेंट्स हो। ठीक है भाई, सिर्फ इस वीडियो के अंदर थगेश भाई सिर्फ इतना बोला था कि भाई इस बंदे का चश्मा जब पहली बार आया तब चेंज, दूसरी बार आया तब उसका चश्मा गायब, तीसरी बार आया तो उसने दूसरा चश्मा आ गया। बस सिर्फ इतनी सी बात थी, और ये है अदनान 07 उनको चढ़ गया भाई गुस्सा, और उन्होंने कर दिया भाई अदनान 07 को मीन्स उन्होंने कर दिया थगेश को बिल्कुल सही वाला रिप्लाई। थगेश ने कहा कि भाई मेरे को कुछ गलती नहीं है, मैं तो बस सिर्फ इतना सा कहता, बट सारे के सारे यूट्यूबर भी सपोर्ट करने थे थगेश के, तो भाई थगेश की सिर्फ उसने कुछ गलती भी नहीं की, उसने बस सिर्फ एक ऐसे ही कॉमेंट दिया था भाई, और वो बंदा पता नहीं क्या समझ गया। और ये वीडियो देखने के बाद मेरा कुछ रिएक्शन ऐसा था तो मेरे ख्याल शायद आप सब लोगों का भी ये रिएक्शन होगा अदनान 07 की वीडियोस के ऊपर। और भाई आप अदनान 07 की जाके वीडियोस, और आप उनके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आप एक बार उनका इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चेक करना, 11 मिलियन के फॉलोअर्स है। ठीक है, और जाके उनके वीडियोस देखना, उनके ऊपर 3 लाख व्यूज़ आते हैं। तो भाई ये कुछ आप लोग कुछ लगते नहीं, कुछ तो कुछ झोल है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है दया, ये तो बहुत बड़ा झोल है। किस वजह से? क्योंकि भाई अदनान 07 के जो फॉलोअर्स है, जो उनका जो था, जो भी उन्होंने जिससे भी लिए थे फॉलोअर्स, वो सबके सब फेक है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसका गिने चुने फॉलोअर्स उसके कुछ रियल होंगे, क्योंकि भाई जब बंदे के 11 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है, तो उसके ऊपर उसके व्यूज़ वीडियोज़ के ऊपर कितने आने चाहिए? 3 लाख सिर्फ उसके इंस्टाग्राम के रील्स के ऊपर सिर्फ 3 लाख व्यूज़ होंगे। भाई ये क्या है, तो और पता नहीं क्या है, तो बोले 11 मिलियन यार पता नहीं क्या है। तो बस अदनान भाई ने पता नहीं कुछ तो जुगाड़ मारा होगा किसी तो किसी जगह से, या तो उनका जो मॉडरेटर या जो भी था उनका, उसने जुगाड़ मारा होगा। और ये उनका जब उनकी ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा रिएक्शन पर ये था, नो गॉड, नो गॉड, प्लीज नो, नो। तो मेरा रिएक्शन तो ये था। अब आप लोग कमेंट बताएंगे आप लोगों का रिएक्शन क्या था। यार मेरे को असल में मैं नहीं चाहता कि इस कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर कुछ ज़्यादा वीडियो बनाए, बस मैंने कहा कि यार एक ही बस ये जो अदनान 07 भाई की कुछ गलती है बस उसको बता दें। और अदनान 07 भाई थगेश को बोलते कि भाई यार तो फाइट कर ले, अरे भाई वो फाइट तो कर लेगा, बट आप उनकी हाइट तक पहुँच नहीं पाओगे ना भाई, थगेश भाई अच्छे खासे लंबे है, ये मैंने देखा है, क्योंकि सारे जब जब क्रिएटर्स मिले ना उनसे, उन सबका यही भाई यही उनके मुँह से अल्फाज सुना कि भाई थगेश हमसे, हमको लगा कि नहीं हम लंबे, बट थगेश भाई हमसे भी लंबा है। फिर मेरा रिएक्शन ये था 907 की तरफ, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब मेरे ख्याल से आप सबका भी ये होगा कि भाई 907 के भाई तुमसे ना हो पाएगा, भाई बनता इतना लंबा है भाई, बट भाई फिर भी जो भी को, बट अच्छा इसके अंदर फिर एक और ट्विस्ट आया, कॉन्ट्रोवर्सी चली थी 907 और थगेश की, फिर उसके अंदर आ गए कुछ यूट्यूबर्स, क्योंकि भाई जब यूट्यूबर्स आए तो फिर आप लोगों को पता है कि फिर 907 की तरफ उसके अंदर कोई बोलेगा, बट 07 की टीम्स के अंदर से किसी ने भी कुछ नहीं बोला, 907 की टीम के अंदर से किसी ने कुछ नहीं बोला। सब ने कह रहे भाई ये बंदा मरेगा, ये सब इतने सारे हम इतने से, तो उन लोगों ने भाई रहने दो, हमको नहीं जाना, हमको पढ़ना ही नहीं जमीन के अंदर, सही है। और एक बात और उसके अंदर, इसके भाई आ गए अब्दुल, 907 के बिल्कुल सगे भाई अब्दुल कूद गए इस जंग के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को भी व्यूज है, मैं भी आऊँगा, वो भी कूद गए इस जंग के अंदर, तो उनका भी बहुत फेम हो गया। ठीक है,
ऊपर से भाई ने निकाल दी डिस्ट्रैक्ट, उल्टा उल्टा ये तीर। अब तो जाके हेडेक और डिस्ट्रैक्ट सुनो। सच में मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, मेरा उसके बाद रिएक्शन आप लोग देखो तो सही कैसा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बस भाई लोग आज की वीडियो के अंदर इतना ही। और यार सॉरी यार क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि यार ज़रा कल कुछ तबीयत सही नहीं थी, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए ज़रा कल वीडियो नहीं आ पाई और उसके कल मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था। तो भाई लोग सपोर्ट करते रहना और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून। और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोली था किस चीज़ के ऊपर होगी, उनकी भी सर गलती बताएंगे, बट उनकी गलती है यार, उनने ये सारी चीज़ें की है तो मैं सब गलती बताऊंगा, मैं उनको कुछ इतना कुछ ज़्यादा रोज नहीं करना, बस मैं उनकी गलतियाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून। वीडियो को यार याद से लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना यार, मेरे चैनल की रीच बहुत डम है भाई, लोग बहुत डम है, सिर्फ भाई जल्दी करा दो, इस मंथ के एंड तक तो तकरीबन हमको 1300 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 सब्सक्राइबर चाहिए यार, जल्दी करा दो। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।